मेरी ज्वेलरी, मेरे पैसे छोड़े। अरे घबरा क्यों रही हो मैडम, ये रही आपकी ज्वेलरी, ये रहे आपके कंगन और ये रहा आपका कैश। देखो मैं पहले बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत है, इस वजह से मैं एडमिट हुई हूँ। तुम मेरे पैसे और मेरी ज्वेलरी मत लेके जाओ, वरना मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखो ये मेरी जीवन भर की कमाई है, मुझे ये पैसे हॉस्पिटल में जमा करवाने थे, तभी मेरा इलाज होगा। अरे क्या बात है मैडम, पूरे जीवन भर की कमाई यही पहन कर आनी थी हॉस्पिटल में, अब आ गई तो आ गई, अब ये तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो यही काम है हॉस्पिटलों में, मैं सुंदर सुंदर औरतों के जेवर और गहने और ये पैसे चोरी करता हूँ, चोरी मेरा काम है। और आपको भी तो ये गहना मैंने दिए ही है गिफ्ट में, ये हथकड़ी पहनिए, मेरी तरफ से फ्री गिफ्ट है। देखिए ये ज्वेलरी, क्योंकि सोना पहनना मेरा शौक है, इस वजह से मैंने पहन रखा था, लेकिन ये पैसे तो मेरे को दे जाइए, मुझे हॉस्पिटल में जमा करवाने हैं, मेरा वरना इलाज शुरू नहीं हो जाएगा और मेरी जान खतरे में हो जाएगी, प्लीज आप मेरे को दे जाइए ये पैसे। अरे तो क्या हो गया, अगर आपकी जान ज्यादा खतरे में लगे तो अपनी किडनी बेच दीजिएगा, किडनी तो दो है ना आपके पास, एक से जिंदा रह लेंगे, आराम से जिंदगी कटेगी मस्त, और आपकी बीमारी का इलाज भी हो जाएगा, 10-12-15 लाख में तो किडनी बड़े आराम से बिक जाती है। देखिए ऐसे मत करिए ना, आप प्लीज प्लीज मेरे पैसे वापस कर दीजिए और ये हथकड़ी खोल दीजिए। देखिए मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, मैं आपको जाने दूंगी, आपको जितने पैसे चाहिए ना मैं आपको और पैसे दे दूंगी, लेकिन अभी आप ये पैसे दे दीजिए मेरे को प्लीज। देखिए मैडम जी, करना तो हमारा जो है ना धंधा है, धर्म है हमारा ये सब करना, वो तो हम कर चुके हैं, अब आपके पास तो कुछ है नहीं तो कहाँ दे देंगी पैसे मुझे, ये झूठा लालच मत दीजिएगा मुझे, मैं आपके इस लालच में आने वाला हूँ नहीं, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो तो मैंने ले लिया। अरे रुको, अलविदा। अलविदा नहीं बेटा, अब तो मिलाप हुआ है हमारा, अब तुझे ना मैं छोड़ूंगा नहीं, पहले तो मास्क उतार अपना, मास्क उतार। कुछ उतरता नहीं, सब चिपका हुआ है। बुड्ढे तू ये चोरियां करता है, तुझे शर्म आती है कि नहीं, तेरी आधी उम्र तो निकल चुकी है और आधी जेल में निकलवाना चाहता है, क्यों करता है ये चोरियां? सच सच बता क्यों करता है ये चोरी, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और तेरी ये क्या हरकत थी, आज तूने यहाँ पे चोरी करी है, इसका मतलब जो हॉस्पिटल में पहले से चोरियां हो रही थी वो भी तू कर रहा था। अरे दिव्या ऑफ कोर्स यही कर रहा था, इसकी रिपोर्ट ना हमारे थाने में पहले ही आ चुकी है बहुत सारी, पता ना लोगों की जिस तरीके से चोरियां करता है ना, इस तरीके से तू बहुत बड़ा छात्र चोर है, और मुझे तो ऐसा लगता है ना कि और भी ऐसी चोरियां करता होगा, नए नए तरीकों से लोगों को लूटता होगा, किस तरीके से लूटता है, यहाँ पर मरीज के पास कोई रहता नहीं है, उसी बात का फायदा उठाकर तू नीचे से लोगों की हथकड़ी बांध जाता है, उनसे से सोना पैसा जो भी होता सारी चीजें लूट के ले जाता है, तुझे तो बेटा मैं छोड़ूंगा नहीं। इसका मतलब सर आप सही बोल रहे थे कि यहाँ पे चोरियां हो रही हैं, और तभी आपने मेरे से हेल्प मांगी कि मैं यहाँ पे पेशेंट बन के बैठ जाऊँ और ये सब करूँ, और आज ये पकड़ा गया, अगर मैं आपकी बात नहीं मानती तो ये तो पकड़ा ही नहीं जाता, और पता नहीं कितने लोगों के साथ गलत करता और चोरी करता, इस हॉस्पिटल का तो नाम बर्बाद हो जाता सर। बिल्कुल सही बोल रही हो दिव्या, और तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता दो, तुम ये सोच रहे होंगे क्यों हेल्प मांगी क्यों किया, अब तुम्हारे ज्यादा भटकने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे थाने की ना कांस्टेबल है, और ये सब प्लान ना हमारा ही है, अब बेटा तुम पकड़े गए हो, अब तुमको कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा, 2-4 धारा ना बेटा मैं तुम पर अपनी तरफ से लगवाऊंगा, ताकि तुम जेल में से जिंदगी भर निकल ना सको और सड़ते रहो। समझ गया साहब जी, समझ गया, वो एक कहावत थी कि 100 दिन चोर के 1 दिन साफ का, आज वही दिन आ गया, आज मेरी चोरी पकड़ी गई है, अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि मुझे माफ कर दीजिए। हाँ तो वो बात सच हो गई आज, अब चलो सीधा थाने। ठीक है मैं इसको थाने लेके चलता हूँ, हथकड़ी में चाबी लगी हुई है, तुम्हारा ध्यान नहीं गया मुझे लगता है, आप ना चाबी खोल के नीचे आ जाना, इसको लेके चलता हूँ PCR में, चले यहाँ से।